भाइयों बहनों और उपस्थित सभी मीडियाकर्मी, सबसे पहले मेरी ओर से और पूरी पार्टी की ओर से आप सभी को मैं स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आज के दिन हम सब ये संकल्प कर जाए और फिर से एक बार अपने आप को, देश को पुनः समर्पित करके यहाँ से जाए। बहुत दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। आज लाल किले की प्राचीर से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने आज राष्ट्रध्वज फहराकर देश को संबोधित किया है। पहले श्रद्धेय अटल जी ने भी किया था, आज आदरणीय नरेंद्र भाई ने भी किया है, मगर दोनों के बीच में एक अंतर है कि आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी है और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा अंतर है। मित्रों, पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी की स्थापना ही इस देश को, इस भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए हुई है। हम सब अहर्निश इस प्रयास में रत रहे और सरकार के साथ संगठन भी कदम कदम मिलाकर देश को विश्व का एक अग्रणी देश बनाने में हम सब अपना सहयोग करें। इतनी ही बात कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत माता की जय।